दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिस आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से 26 दिसंबर को निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी नॉन टीचिंग पोजिशंस पर वैकेंसी रहने वाली है और आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को देख रखा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट पहले आपकी 31 जनवरी रखी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। अगर आप इससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे तो यहाँ पर आपके पास एक मौका हो सकता है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजीशंस पर वैकेंसी है, लेकिन अपने काम की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो सैलरी यहाँ पर आपको एज पर 7th CPC के अनुसार लेवल 6 की मिलने वाली है और वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी नई दिल्ली रहेगी। बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 साल रहने वाली है और इसके साथ ही एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पर आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक की मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर होने वाला है। जो लोग भी यहाँ पर CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 500 रुपये देनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 250 रुपये देनी है। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहने वाला है, फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 15 फरवरी रहेगी। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।